हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फीस माफ़ी के लिए अपने प्रिंसिपल को यदि एप्लीकेशन लिखना है तो आप एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखेंगे? फ्रेंड्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे बता रहे हैं इसी प्रकार से आप लिखिएगा। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, आप स्टार्ट कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा टू। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, टू लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप कामा दीजिएगा, फिर यहाँ से इसके नीचे से लाइन छोड़ के लिखिएगा टू द प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे बता रहे उसी तरह लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल लिखिएगा, फिर यहाँ पे कामा दीजिएगा, फिर इसके बाद अपने कॉलेज का नाम देखिए, गवर्नमेंट, जी ओ वी ई आर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ठीक है। यहाँ कामा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं गाजीपुर, ठीक है, गाजीपुर, यहाँ पे फुल स्टॉप कर लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको किस पे एप्लीकेशन लिखना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन छोड़ के यहाँ से सब्जेक्ट लिखिएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट किसके, इसके नीचे से लिखना शुरू कीजिए, इसके सीधे में लिखिएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर दीजिएगा किस पर लिखना है आपको एप्लीकेशन, तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको एप्लीकेशन, इस पे लिखना है फ्रेंड्स आपको, तो फुल फी कंसेशन पे तो आप लिखिएगा फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है फ्रेंड्स। कंसेशन देखिए फ्रेंड्स, आपको अब अगला स्टेप में क्या करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इसके नीचे से लिखना है, इसके यहाँ से ये है सर, त्यास लिखिएगा सर, ठीक है। अब कामा दे के लाइन छोड़ दीजिएगा। अब इसके नीचे से लिखिएगा, इसके बगल से यहाँ से लिखिएगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट, देखिए आई बेग टू से डैट, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिएगा आई कम, ठीक है, आई कम फ्रॉम, देखिए यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद देखिए आई कम फ्रॉम, तो अब देखिए यहाँ पर लाइन तो पूरा हुआ नहीं है आपका, तो इसके सर के नीचे से यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, आई कम फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वेरी वेरी पुअर फैमिली, ठीक है, फैमिली फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा माई फादर, ठीक है, लिखिएगा माई फादर इज ए पियोन, ठीक है। अब यहाँ पे पियोन फुल स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। अब लिखिएगा ही गेट्स ओनली, अब कितना जैसे महीने में पा रहे हैं तो लिख दीजिएगा आर एस, ठीक है, कितना 6,000 रुपीज़ पी एम का मतलब होता है पर मंथ, यानी कि 6,000 रुपया पाते हैं। फुल स्टॉप करने के बाद यहाँ से लिखिएगा ही हैज ए बिग फैमिली, ठीक है, फैमिली टू सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, सपोर्ट। और यहाँ फुल स्टॉप कीजिएगा, फिर लिखिएगा कि ही कैन नॉट पे माई क्या लिखेंगे यहाँ पे, फीस लिख लीजिएगा, पे माई फीस, यहाँ फुल स्टॉप कीजिएगा, फिर लाइन छोड़ के फ्रेंड्स अब देखिए मोस्ट जहाँ से लिखें यहाँ से लिखिएगा, कहाँ से लिखेंगे देखिए आपको बता देते हैं, कहाँ से लिखना आपको, यहाँ से लिखना, लिखिएगा काइंडली ग्रांट मी, क्या लिखेंगे, काइंडली ग्रांट मी, ठीक है, फ्री शिप, ठीक है, सो डैट
सो डैट आई, यहाँ पर लिखिएगा आई मे, आई मे कंटिन्यूटी, यहाँ पे लिखे, देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे लाइन फुल स्टॉप, तो आपको पूरा नहीं हुआ, तो आप कहाँ से लिखेंगे, इसके नीचे से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है, माई स्टडी, स्टडी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे यू है स्टडी, यहाँ पे फुल स्टॉप कर लीजिएगा, यहाँ तक आपको हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, अब इसके नीचे से अब देखिए यहाँ पे लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा, यहाँ से लाइन छोड़ दीजिएगा, आपके जगह होगा तो यहाँ पे लिखिएगा योर्स, योर्स, ठीक है, ओबेडियंटली, ओ बे डी आई एन टी एल वाई, एल वाई, ओबेडियंटली। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखा जाता तो लिखिएगा एक्स वाई जेड लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड लिख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको, एक्स वाई जेड लिखने के बाद यहाँ से आप चाहे तो क्लास भी लिख सकते हैं, क्लास करके यहाँ पे एक्स वाई जेड, यानी क्लास का नाम लिख सकते हैं, या दस या एक्स वाई जेड ही लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके बाद इसके बगल में यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा, सिर्फ डेट, क्या डालेंगे, डेट डालिएगा, जिस तारीख को आपका पेपर रहेगा वही डेट आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, यहाँ तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स कितने कम शब्दों में आपने एप्लीकेशन लिखना सीख लिया है। अब यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स जो पैराग्राफ यहाँ भी, इस पैराग्राफ को यहाँ तक तो आप याद ही रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सर और मोस्ट रेस्पेक्टफुल आई बैक टू से डेट, यहाँ तक जहाँ तक बता रहे हैं, ये पैराग्राफ एप्लीकेशन में याद रखिएगा, किसी भी जैसे फीवर के लिए हो गया, फुल फी कंसेशन के लिए होगा, या आपको एप्लीकेशन किसी चीज़ पे लिखना है, किसी भी एग्ज़ाम किसी भी चीज़ पे लिखना है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हर एप्लीकेशन में लिखना है, इसके बाद आप उसके आगे थोड़ा सा जोड़ देंगे, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट आप ये याद रख लीजिए, काइंडली ग्रांट मी, ठीक है। अब यहाँ पे फीवर है, फीवर इस तरह, फीवर वीवर पे हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है फ्रेंड्स, ठीक है, जब भी एप्लीकेशन लिखना रहेगा तो जैसे पता है उसी तरह लिखिएगा, यहाँ पे योर्स ओबीडेंटली लिखिएगा, आपको नाम लिखना नहीं है, एक्स वाई जेड लिख दीजिएगा, क्लास एक्स वाई जेड कर दीजिएगा, यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपका था। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको कुछ समय के बाद आपको लेटर लिखना भी बता देंगे, किस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में लेटर लिखा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पसंद लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।